नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। अंग्रेजी हुकूमत को छठी का दूध याद दिलाने वाले आदिवासियों के भगवान बिरसा की जयंती के 150 साल पूरे होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया है। आदिवासी समाज के हीरो बिरसा मुंडा को आज भी गर्व से याद किया जाता है। जी हाँ, आदिवासियों के हितों के लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। आदिवासी समाज में उनके योगदान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी तस्वीर संसद के संग्रहालय तक में लगी हुई है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उन्होंने एक नए धर्म बिरसाई की नींव रखी थी। बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर पीएम मोदी बिहार के दौरे पर है। पीएम ने उनकी याद में डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। वो देश भर के आदिवासियों को ध्यान में रखकर 6,640 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए उनकी जयंती पर जान लेते हैं कि बिरसा मुंडा ने नए धर्म की शुरुआत क्यों की। झारखंड के खूंटी जिले के जनजातीय समुदाय में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। वैसे तो उनकी जन्मतिथि और जन्म के साल को लेकर अलग अलग कई जानकारियां उपलब्ध है, पर ज्यादातर जगहों पर उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर 1875 का जिक्र मिलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी रहे कुमार सुरेश सिंह की बिरसा मुंडा पर लिखी गई शोध आधारित पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन को बिरसा मुंडा पर प्रामाणिक किताब माना जाता है। इसमें बिरसा मुंडा का जन्म साल 1872 बताया गया है। छोटा नागपुर के कमिश्नर रहे कुमार सुरेश सिंह ने आदिवासी समाज का गहन अध्ययन किया था। उनकी किताब में बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज से जुड़ी कई कहानियां मिलती है। इस किताब में अलग अलग कई स्रोतों के जरिए बताया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में एक समय ऐसा भी आया जब बिरसा मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। बिरसा मुंडा के बड़े चाचा कानू पोलुस, उनके पिता सुगना और छोटे भाई ने भी ईसाई धर्म धारण कर लिया था। उनके पिता तो ईसाई धर्म प्रचारक भी बन गए थे। धर्म बदलने के बाद बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा और उनके पिता का नाम मसीह दास रखा गया था। सूत्रों के अनुसार एक रिपोर्ट में बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन के हवाले से बताया गया है कि बिरसा मुंडा की छोटी मौसी जोनी उनको बहुत प्यार करती थी। विवाह के बाद ही वह बिरसा मुंडा को अपने साथ साथ ससुराल खटिंगा गांव ले गई थी। वहां वह ईसाई धर्म के एक प्रचारक के संपर्क में आए जो प्रवचनों के जरिए मुंडा समाज की व्यवस्था की आलोचना करते थे। यह बात बिरसा मुंडा को इतनी खल गई कि मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करने के बावजूद वह आदिवासी तौर तरीकों की ओर लौटने लगे। यह बात है साल 1894 की। आदिवासियों के जमीन और वन से जुड़े अधिकारों को लेकर बिरसा मुंडा आंदोलन में कूद पड़े। यह उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। तब उन्हें लगा कि आदिवासी और ईसाई दोनों ही धर्मों के लोग इस आंदोलन को कतई तरजी नहीं दे रहे हैं। इसके चलते उन्होंने एक अलग धर्म और उसकी पद्धति की व्याख्या की। इस पद्धति को मानने वालों को ही बिरसाइत कहा जाता है। कुमार सुरेश सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने नए धर्म के प्रचार के लिए 12 शिष्य नियुक्त किए। इसके साथ ही जलमई चाईबासा निवासी सोमा मुंडा को अपना प्रमुख शिष्य घोषित किया और उनको धर्म पुस्तक सौंपी। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।